विद्यार्थियों, समाकलन की इस श्रृंखला के अंदर आज हम बात करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट अर्थात खंडस समाकलन। विद्यार्थियों, जैसा आप देख रहे हो, एक्स ई टू दी पावर एक्स, एक्स साइन एक्स, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, सिंपल लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स इत्यादि इत्यादि जो फलन होते हैं, ये फलन दो फलनों के गुणनफल है। तो इन फलनों के गुणन दो फलनों के गुणनफल का समाकलन करने के लिए अपन इंटीग्रेशन बाय पार्ट को क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब इसके लिए अपन ने सपोज कर लिया कि माना कि फंक्शन है कैपिटल एफ एक्स, कैपिटल एफ एक्स बराबर हमने माना स्मॉल एफ एक्स इंटू जी एक्स, यानी दो फलनों का गुणनफल है ये, एक स्मॉल एफ एक्स और एक कैपिटल एफ एक्स। अपन ने शेक ऑफ कन्वीनियंस सुविधा की दृष्टि से हमने मान लिया कि स्मॉल एफ एक्स इज इक्वल टू यू और स्मॉल जी एक्स इज इक्वल टू वी। तो इस प्रकार से जो कैपिटल एफ एक्स हमारा फलन है वो यू इंटू वी का क्या हो जाएगा, गुणन, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, दो फलनों का गुणनफल। तो ऐसे फलन जो दो फलनों के गुणनफल हैं उन फलनों का समाकलन करने के लिए हम खंडस समाकलन का प्रयोग करते हैं। अब इसका नियम क्या है, इंटीग्रेशन u इंटू वी dx। अब यहां पर किसी एक फलन को हमें क्या मानना है, प्रथम फलन, और किसी एक फलन को क्या मानना है, द्वितीय फलन। तो इसके लिए हमने मान लिया u इज इक्वल टू प्रथम फलन और v इज इक्वल टू द्वितीय फलन, यानी u को हमने मान लिया प्रथम फलन और v को मान लिया द्वितीय फलन। U को प्रथम फलन V को द्वितीय फलन मानकर समाकलन करने पर इसका नियम होता है U यानी प्रथम फलन इंटीग्रेशन ऑफ V dx, इंटीग्रेशन ऑफ V dx विद साइन ऑफ इंटीग्रेशन समाकलन का चिन्ह ब्रैकेट प्रथम फलन का अवकलन डिफरेंशिएशन ऑफ U इंटीग्रेशन ऑफ V इंटू dx, यानी आपको प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का समाकलन करना है। अब समाकलन चिन्ह ये हमेशा जिंदा रहेगा, इसके अंदर क्या करना है, प्रथम फलन का अवकलन और द्वितीय फलन का समाकलन, प्रथम फलन का अवकलन और द्वितीय फलन के समाकलन को हम क्या करेंगे, गुणा, और ये जो गुणनफल आएगा इसको पुनः हम क्या करेंगे, समाकलन। तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट का नियम है। वापस से एक बार अपन देख लेते हैं, प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का समाकलन, ये जो समाकलन का चिन्ह है ये रहेगा, इसके अंदर क्या होगा, प्रथम फलन का अवकलन इंटू द्वितीय फलन का समाकलन, यानी पहले फलन को आप अवकलन करिए, द्वितीय फलन का आप समाकलन करिए, दोनों का गुणनफल करिए, जो कटता है उसे काट दीजिए, जो बचता उसे बचा लीजिए, उसका पुनः हम किसके सापेक्ष समाकलन करेंगे, x के सापेक्ष। अब प्रश्न ये उठता है कि साहब पहला फलन किसे माना जाए, द्वितीय फलन किसे माना जाए, तो इसका नियम है आइलेट, आई एल ए टी ई, आइलेट। आइलेट का मतलब है आई, आई का मतलब है इनवर्स फंक्शन, और इस इनवर्स में भी ओनली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल मतलब जैसे टेन इनवर्स एक्स, सेक साइन इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोटेक कोट इनवर्स एक्स, इस टाइप के जो फलन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आएंगे। एल, एल शब्द का मतलब है लघु गुणक, लॉगरिथम फलन, जिसमें अपने आएंगे लॉग एक्स, लॉग साइन एक्स, लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर इत्यादि इत्यादि फलन हमारे आएंगे, यानी जिस फलन के आगे लॉग लगा हुआ है उस फलन को हम क्या बोलेंगे, लघु गुणक फलन। ए, ए का मतलब होता है एलजेब्रिक, एलजेब्रिक का हिंदी अर्थ है बीजीय फलन, पर याद रखो इस बीजीय फलन में हम सिर्फ क्या लेंगे, x की धनात्मक घातें, x, x स्क्वायर प्लस वन, x क्यूब इत्यादि इत्यादि, यानी x की धनात्मक घातें लेनी है, इसमें x की ऋणात्मक घातें और परिमेय संख्या नहीं आएगी। टी, टी का मतलब है त्रिकोणमिति फलन, त्रिकोणमिति फलन से आप परिचित हो, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, साइन क्यूब एक्स इत्यादि इत्यादि फलन हमारे पास आते हैं त्रिकोण विधि फलन की।
श्रेणी में। और ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल फलन। एक्सपोनेंशियल का मतलब है चर घातांकीय फलन, यानी जिसकी घात चर हो, अर्थात ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, टू की पावर एक्स, फाइव की पावर एक्स, इस प्रकार के जो फलन आते हैं वो एक्सपोनेंशियल श्रेणी में आते हैं। अब इसका नियम क्या है कि इस सीक्वेंस में जो पहले फलन आएगा उसको हम प्रथम फलन, और जो द्वितीय आएगा उसको हम क्या मानते हैं, द्वितीय फलन। मान लीजिए log x आ गया, तो x log x के अंदर x तो है एलजेब्रिक फलन और log x हैगा लघुगुणक फलन। तो चूंकि लघुगुणक फलन पहले आएगा इसलिए हम log x को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और x को हम क्या मानेंगे, सेकेंड फंक्शन मानेंगे। इसको अपन आगे और एक्सप्लेन करते हैं। जैसा पहले अपन ने कहा कि आइलेट में जो पहले आएगा उसे फर्स्ट फलन और जो बाद में आता है उसे हम द्वितीय फलन मानते हैं, उदाहरण के तौर पर x log x। तो log x चूंकि पहले आता है, l पहले आता है, इसलिए इसको फर्स्ट फलन और x को हम क्या मानेंगे, द्वितीय फलन। x स्क्वायर साइन x, तो x स्क्वायर एलजेब्रिक फलन पहले आता है इसलिए x स्क्वायर को हम लेंगे फर्स्ट फलन, और ट्रिग्नोमेट्री बाद में आता है इसलिए इसको हम लेंगे सेकेंड फंक्शन। ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स, ई टू दी पावर एक्स में साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पहले आता है, एक्सपोनेंशियल बाद में आता है, तो साइन एक्स हो जाएगा प्रथम फलन और ई टू दी पावर एक्स हो जाएगा द्वितीय फलन। इसी प्रकार से एक्स ई टू दी पावर एक्स, इसमें एलजेब्रिक फंक्शन एक्स पहले आता है तो इसे प्रथम फलन, और ई टू दी पावर एक्स बाद में आता है तो हम इसे द्वितीय फलन मानेंगे। तो इस सीक्वेंस में जो प्रथम फलन आएगा उसे पहले नंबर पे और जो बाद में आएगा उसे द्वितीय फलन मानकर हम क्या करते हैं, समाकलन करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट करते हैं, खंड समाकलन। कभी कभी हमारे पास कुछ फलन जो होते हैं मानक फलन होते हैं और उनमें द्वितीय फलन होता ही नहीं है, तो इस अवस्था में हम वन को द्वितीय फलन मानकर समाकलन कर सकते हैं। कि कभी कभी द्वितीय फलन के लिए हम वन को भी ले सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण चीज है कि एक प्रश्न में इंटीग्रेशन बाय पार्ट का प्रयोग एक से ज्यादा बार किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि एक बार बाय पार्ट का प्रयोग करा और खत्म हो गया, एक प्रश्न में इंटीग्रेशन बाय पार्ट का प्रयोग हम एक से ज्यादा बार कर सकते हैं। इसका अपन डिस्कशन करेंगे टाइप टू में। अब कुछ उदाहरण लेंगे अपन, एग्जांपल लेंगे टाइप वन। टाइप वन में हम वो एग्जांपल ले रहे हैं जो बिल्कुल टू द फार्मूला है, जिनमें एक ही बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट का प्रयोग होता है। पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन एक्स ई टू दी पावर एक्स डीएक्स। अब विद्यार्थियों हमें ये चूज करना है कि प्रथम फलन कौन सा होगा और द्वितीय फलन कौन सा होगा। तो हम जानते हैं आईलेट में ए पहले आता है इसलिए हम वन को मानेंगे प्रथम फलन और ई टू दी पावर एक्स को मानेंगे द्वितीय फलन। तो वन को एक्स को प्रथम फलन और ई टू दी पावर एक्स को हम क्या मानेंगे, द्वितीय फलन, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट का प्रयोग करेंगे। तो एक्स इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन ब्रैकेट डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स डी एक्स और बाद में ब्रैकेट वन और डी एक्स। क्या करा अपन ने, प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन माइनस समाकलन चिन्ह प्रथम का अवकलन इंटू द्वितीय का समाकलन और इसका जो भी गुणनफल होगा उसका पुनः समाकलन। तो ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रल होता है ई टू दी पावर एक्स, तो ये एज इट इज आ गया, साइन ऑफ इंटीग्रेशन जिंदा रहेगा। x का अवकलन होता है 1, तो यहाँ 1 आ गया। e टू दी पावर x का इंटीग्रल होता है e टू दी पावर x और ये dx वापस। अब चूंकि e टू दी पावर x और 1 का गुणनफल क्या होता है, e टू दी पावर x, और हम जानते हैं e टू दी पावर x का इंटीग्रल क्या होता है, e टू दी पावर x। तो x e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर x प्लस c। अगर आप चाहो तो e टू दी पावर x को कॉमन निकाल लो, x माइनस 1 और प्लस, ये भी इसका आंसर हो गया। ठीक है, और सपोर्ट में एक और एग्जांपल लेते हैं, इंटीग्रेशन एक्स कॉस एक्स। तो विद्यार्थियों एलजेब्रिक पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्री बाद में आता है, इसलिए एक्स को हम प्रथम फलन लेंगे
और cos x को द्वितीय फलन मानकर हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। x इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ cos x और ब्रैकेट वन dx। चूंकि साइन x का इंटीग्रल कितना होता है हमारे पास, सॉरी cos x का इंटीग्रल कितना होता है साइन x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x कितना होता है 1 और cos x का इंटीग्रल कितना होता है साइन x। ये x साइन x एज इट इज, चूंकि यहाँ समाकलन चिन्ह है भी इसलिए इंटीग्रल होगा और साइन x का इंटीग्रल क्या होता है माइनस cos x, साइन x का इंटीग्रल क्या होता है माइनस cos x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस x साइन x प्लस cos x। और कुछ टाइपों का अपन अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कशन करेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक फलन में एक क्वेश्चन में एक से ज्यादा बार कैसे बाईपार्ट लगता है, प्रतिस्थापन द्वारा बाईपार्ट का कैसे यूज किया जाता है और कुछ विशेष टाइप्स भी अपन अगले वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।